तो हाय गाइस, हम आ गए हैं फिर से वापस एक और अमेजिंग से वीडियो के साथ। तो गाइस, आप समझ सकते हो हम क्या करने वाले हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो गाइस, ये रहा डियाब्लो नेमेसिस, ये रहा ट्विस्टेड टेम्पो, ये रहा अर्थीगल और ये रहा हेल करबैक्स। तो ये तीनों है गाइस मेटल फ्यूजन के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेड्स और ये है मेटल का सबसे ज्यादा हैवी बेब्लेड पूरे मेटल सीरीज में। तो गाइस, आज देखेंगे कि क्या डियाब्लो नेमेसिस इन तीनों को हरा सकता है कि नहीं। मुझे नहीं लगता गाइस ऐसा कर सकता है। आप लोगों ने बोला था कि डियाब्लो नेमेसिस की हेल करबैक्स और टेम्पो के साथ बैटल कराओ, तो हमने सोचा क्यों ना एक ही साथ कर देते हैं और ईगल को भी ऐड कर देते हैं गाइस। तो वही गाइस आज हम करने वाले हैं और मेरा मानना है कि गाइस ये तीनों डियाब्लो को हराने वाले हैं। बाकी आपको क्या लगता है, अगर डियाब्लो ने इन तीनों को हरा दिया तो मैं तो शॉक होने वाला हूं। तो गाइस, आज के वीडियो में आने वाला काफी ज्यादा मजा, तो बने रहिए हमारे साथ। और गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए क्या करना है, करना है इस चैनल को सब्सक्राइब, फटाक से कर दो गाइस, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलना। बाकी कमेंट वमेंट तो आप लोग कर ही लोगे। तो चलो गाइस, बिना किसी देरी के लाते हैं स्टेडियम और देखते हैं कैसा है डियाब्लो नेमेसिस। तो गाइस, अपना स्टेडियम आ गया है और हम तैयार हैं। तो पहली बैटल स्टार्ट करेंगे गाइस हेल करबैक्स के साथ। और गाइस, पहले हम डियाब्लो को यूज करने वाले हैं स्टैमिना मोड में। तो हेल करबैक्स वर्सेस डियाब्लो नेमेसिस, देखते हैं गाइस क्या डियाब्लो हेल करबैक्स हरा पाएगा। तो ये गया गाइस हेल करबैक्स और ये गया डियाब्लो गाइस। और डियाब्लो ने गाइस हेल करबैक्स कर दिया है अटैक मोड में, तो अब हेल करबैक्स अपना स्टैमिना खराब करके ही मानेगा। चलो देखते हैं गाइस कैसा होता है बैटल। और मुझे लगता है ये मैच बड़ी आसानी से जीतने वाला डियाब्लो नेमेसिस। इवन हेल्करबैक्स अटैक मोड में नहीं भी जाता तो भी गाइस डियाब्लो जीत जाता, क्योंकि स्टैमिना मोड मुझे पर्सनली अच्छा लगता है डियाब्लो का। अटैक मोड भी अच्छा है बट यूजुअली इन स्टेडियम्स में अटैक मोड डियाब्लो का अच्छे से चलता नहीं, पता नहीं क्यों गाइस। चलो देखते हैं गाइस इस बार क्या होता है। एक और ट्राई मारा है हमने हेल्करबैक्स के लिए, अभी तक तो टिका हुआ है गाइस हेल्करबैक्स, देखते हैं कितनी देर टिक पाएगा। अगर गाइस हेल्करबैक्स टिका रह गया ना तो डियाब्लो हार भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हेल्करबैक्स भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है दोस्त। फिर भी देखते हैं गाइस कौन जीतता है। मुझे लगा था डियाब्लो जीत जाएगा लेकिन ये किसी की भी जीत हो सकती है, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। लगता तो है डियाब्लो जीतना चाहिए बट गाइस देखते हैं। तो यस गाइस जीत गया। तो चलो हेल्करबैक्स को हटाते हैं स्टैमिना मोड में, हेल्करबैक्स को थोड़ा हरा दे रहा है डियाब्लो। अब गाइस ईगल को लाते हैं, ईगल से देखते हैं गाइस डियाब्लो जीत पाएगा कि नहीं। ये गया गाइस ईगल, ये गया डियाब्लो। काफी अच्छा अटैक ईगल पे, लेकिन गाइस ईगल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेब्लेड है, लोग इसको काफी यूज करते हैं बट उसको ईगल को इतनी इज्जत मिल नहीं पाती, जबकि मैं बोलूंगा यार ईगल वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेड है यार मेटल जनरेशन में, और ऐसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बट चलो देखते हैं ये वाला बैटल क्या होता है, क्योंकि ये बैटल में कुछ भी हो सकता है, कोई भी रुक सकता है पहले, लेकिन डियाब्लो रुक गया गाइस। तो यार गाइस ईगल हरा दे रहा है यार डियाब्लो को। तो ईगल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है गाइस, तो इसलिए मेटल फ्यूरी के बेब्लेड्स के पीछे लोग पता नहीं क्यों भागते हैं। मेटल फ्यूजन के बेब्लेड्स भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, ये चीज़ लोग रियलाइज नहीं करते हैं, थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है इस बारे में। और सच बोलूँ तो गाइस ईगल टेम्पो करबैक्स ये सब आपको अच्छे रेट में मिल जाएगा, लेकिन आप फ्यूरी के बेब्लेड्स लेने जाओगे तो आपको बहुत महंगे मिलने वाले हैं। और जब आपको यार फ्यूरी से अच्छा परफॉर्मेंस फ्यूजन में मिल रहा है तो क्यों फ्यूरी के पीछे भागना है। और गाइस फिर से हरा दिया, क्या बात है यार। ईगल ओपी इन द चैट गाइस, ईगल ओपी इन द चैट। अब गाइस लाते हैं टेम्पो, तो ये भी ईगल के जैसा ही है, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ ईगल टेम्पो से थोड़ा सा बेटर है। चलो गाइस देखते हैं। और ये भी एक टाइम पे बहुत ज्यादा भारी बेब्लेड था, तो देखते हैं गाइस क्या टेम्पो को हरा पाएगा डियाब्लो। टू ऑफ द मोस्ट हैवी बेब्लेड्स बैटल, दोनों ही बहुत ज्यादा भारी है गाइस। डियाब्लो तो वैसे भी सबसे ज्यादा भारी है, तो उसके बारे में तो जितना बोलो उतना कम है, लेकिन गाइस टेम्पो भी काफी ज्यादा भारी है। फ्यूजन तक गाइस टेम्पो सबसे हैवी बेब्लेड हुआ करता था, फिर डियाब्लो ने आके गद्दी छीन ली टेम्पो की, मोस्ट हैवी बेब्लेड की। तो देखते हैं क्या टेम्पो आज अपनी बेइज्जती का बदला लेगा या डियाब्लो जीत जाएगा। तो देखते हैं गाइस, कुछ कह नहीं सकते हैं। और टेम्पो जीत गया थोड़े से ही मार्जिन से सही, लेकिन जीत गया। तो यस गाइस स्टैमिना में टेम्पो थोड़ा सा बेटर है डियाब्लो से, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं गाइस, जो लोग आप जो वीडियोस देखते हो डियाब्लो नेमेसिस के कि सब बेब्लेड्स को हरा दे रहा है, ऐसा हो जा रहा है वैसा हो जा रहा है, वो सिर्फ बीवी 10 स्टेडियम में ही पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि बीवी 10 स्टेडियम में स्टेडियम छोटा है, डियाब्लो हैवी है, थोड़ा सा भी पुश करता बाहर चलाता बेब्लेड। लेकिन यहाँ पे डियाब्लो बहुत पुश करेगा तो यहाँ तक आ जाएगा बेब्लेड, एकदम बाहर करना यहाँ पे इतना आसान होता नहीं है।
तो यही खासियत होती है स्टैंडर्ड स्टेडियम्स की कि स्टैंडर्ड स्टेडियम में असली पावर पता चलता है बेबेट्स का। और गाइस ये देखो टेम्पो का पावर पता चल रहा है। तो यार सच बताऊं तो मैं ये वीडियो इसलिए करना चाह रहा था कि मुझे लगा था यार डियाब्लो इन सबको हरा दे, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा हो नहीं पाएगा। चलो फिर से एक बार अटैक मोड में ट्राई करते हैं। चलो गाइस हेल्कर बैग से करते हैं पहले। हेल्कर बैग को हरा दिया था डियाब्लो ने लास्ट टाइम। और गाइस पहली टक्कर के बाद ही डियाब्लो ने अपना पूरा पैटर्न खराब कर दिया और अब हेल्कर बैग ने क्या बात है, लगता है डियाब्लो जीत सकता है गाइस, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं, कब रुक जाए क्या हो जाए भगवान जाने। देख लेते हैं गाइस कौन जीतता है। और मेरे हिसाब से डियाब्लो जीता है तो काफी अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा कि कम से कम हेल्कर बैग्स को तो हरा पा रहा है। ओहो क्या नॉकआउट दिया गाइस, ये एक्सपेक्टेड नहीं था यार, मजा आ गया। अटैक मोड में यार डियाब्लो अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, एक्सपेक्टेड नहीं था। एक लास्ट ट्राई और करेंगे फिर आगे अगले बेबेस पे बढ़ते हैं गाइस। और इस बार खुद ही बाहर हो गया। तो यस गाइस जीतता है काफी हद तक, बट ठीक है हेल्कर बैग्स को अच्छी टक्कर देता है डियाब्लो। और यूजुअली मैं बताऊं तो जो मैंने पहले बैटल्स कर रखी हैं उसमें मैंने ये देखा है हेल्कर बैग्स यूजुअली गाइस अगर डियाब्लो अटैक मोड में तो हेल्कर बैग्स जीत जाता है। खैर कोई नहीं गाइस आगे बढ़ते हैं, ईगल को देखते हैं, क्या देखते हैं ईगल को नॉकआउट कर पाएगा, क्योंकि हेल्कर बैग्स इशू नहीं था, हेल्कर बैग्स को तो स्टैमिना मोड में डियाब्लो ने हरा ही दिया था। ईगल और टेम्पो को हराएगा तब मजा आएगा। चलो गाइस देखते हैं। गाइस एक और ये अटैक हैवी अटैक टाइप के साथ प्रॉब्लम होती है कि जब वो किसी भी बेबलेट को अटैक करते हैं तो अगर सामने वाला बेबलेट हैवी तो उससे टकरा के इनका पैटर्न खराब हो जाता है और ज्यादातर अटैक टाइप यही करने के चक्कर में हार जाते हैं और वही यहाँ हो रहा है। मुझे गाइस लग नहीं रहा ये ईगल को हरा पाएगा। बीबी टेन स्टेडियम की बात नहीं कर रहा हूँ, बीबी टेन स्टेडियम को प्लीज बीच में मत लाना, स्टैंडर्ड स्टेडियम पे आओ यार, क्योंकि बीबी टेन स्टेडियम अटैक टाइप स्टेडियम, वहाँ अटैक टाइप को एडवांटेज होता है, लेकिन स्टैंडर्ड स्टेडियम में सारे बेबलेट्स को इक्वल एडवांटेज होता है। चलो गाइस और ये देखो फिर से वही सेम चीज हो गई गाइस, यार थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रहा है यार डियाब्लो, अच्छा नहीं लग रहा गाइस मुझे, जितना लोग बोलते हैं उतना मजा नहीं आ रहा है। खैर कोई नहीं देखते हैं कैसा रहता है मामला। और लगता है कि काफी अच्छा बैटल जाएगा और गया, फिर भी ईगल जीत गया। एक लास्ट ट्राई और मारेंगे गाइस, उसके बाद टेम्पो पे ट्राई करेंगे। देखिए दो तीन हिट के बाद ही इसने पूरा पैटर्न खराब कर लिया, क्योंकि सामने वाला बेबलेट इतना हैवी होता है ना, उस पर अटैक करने के बाद इसका ट्रेजेक्टरी खराब हो जाता है और इसी वजह से ये हार जाता है अटैक मोड में। तो गाइस डियाब्लो का अटैक मोड थोड़े से हल्के बेबलेट्स पे बहुत अच्छा काम करता है, ऐसे ईगल जैसे हैवी बेबलेट्स पे नहीं काम करता अच्छे से। टेम्पो से भी आपको दिखा देते हैं गाइस क्या टेम्पो को हरा पाएगा या नहीं, चलिए देखते हैं। ओहो क्या बात है गाइस, टेम्पो को हरा दिया, ईगल को नहीं हरा सका बट टेम्पो को किसी तरह से नॉकआउट कर लिया। एक बार और देखते हैं कि क्या ये दोबारा हो पाएगा कि नहीं, मजा आ गया गाइस देख के। और इस बार गाइस भारी पड़ गया खुद का अटैक खुद ही को। तो गाइस टेम्पो भी कम नहीं है, टेम्पो का डिफेंस बहुत ज्यादा अच्छा है और आपने देख भी लिया कि कैसा अच्छा है। तो यस गाइस डियाब्लो को बाहर कर दिया टेम्पो ने, तो हर बार नहीं हरा पाएगा यार, हैवी वेवलेट्स टेम्पो और ईगल जैसे वेवलेट्स डियाब्लो को गाइस यूजुअली हरा देते हैं। पैटर्न ही खराब कर लिया यार। तो गाइस 90% टाइम तो यही हो जाता है कि इसका पैटर्न बिगड़ जाता है, एक दो बार अगर अटैक कर लेता है तो बस वहीं पे जीतने का चांस होता है। तो यही है यार असलियत डियाब्लो की, जो लोग इतना ज्यादा तारीफ करते हैं ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। बीबी टेन स्टेडियम में बैटल करके क्या ही फायदा है, अटैक टाइप स्टेडियम है, स्टैंडर्ड स्टेडियम में बैटल करिए, स्टैंडर्ड स्टेडियम में बैटल करिए, क्योंकि गाइस अटैक टाइप को एडवांटेज देना कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं, हर बेबलेट को बराबर एडवांटेज देना चाहिए। तो बैटल फेयर होना चाहिए इसलिए मैं स्टैंडर्ड स्टेडियम यूज करता हूँ और क्या ही बोलूँ यार मजा नहीं आया यार, थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया आप लोगों ने। तो गाइस ये आप देख सकते हो कि ये ऐसे फ्यूजन बेबलेट्स हैं जो डियाब्लो को ज्यादातर हरा देते हैं
और असलियत यार यही है कि ये हरा देते हैं। ये तीनों बेबलेट ऐसे हैं गाइस, फ्यूजन के इतने पावरफुल हैं कि ज्यादातर फ्यूरी बेबलेट्स को ये अच्छा टक्कर देते हैं, हरा देते हैं। लोग पता नहीं क्यों फ्यूरी के पीछे भागते हैं। तो अगर आपको कोई स्ट्रांग बेबलेट चाहिए और बजट फ्रेंडली वाले चाहिए तो ये तीनों देख सकते हो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो यस गाइस, ये बेबलेट इतने स्ट्रांग है कि डियाब्लो को भी परेशान कर देते हैं। तो यस गाइस, आज के लिए इतना ही। आप बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये बैटल कैसे लगे, और मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी वीडियो में फिर किसी दिन। तो गाइस, तब तक के लिए स्टे सेफ और हैप्पी ब्लेडिंग।